बंगाल की राजनीति में डर सर चढ़कर बोल रहा है। ये डर ममता बनर्जी का है, ये डर उनकी पार्टी का है, लेकिन एक शख्स बीजेपी का ऐसा है जो लगातार ममता के घर में उन्हें चुनौती दे रहा है। बंगाल की राजनीति में जब से अमित शाह ने एंट्री मारी तभी से सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन इस सरगर्मी के बीच जिसने बंगाल की जमीन बीजेपी के अनुकूल तैयार की वो है बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। अमित शाह के साथ नक्सल बाड़ी के आदिवासी परिवार के साथ खाना खाते देखा होगा आपने, जिसके बाद ममता बनर्जी से उस परिवार पर दबाव डालकर उसे बीजेपी में शामिल कर दिया था, उसका सच जान लीजिए। একজন গরিব আদিবাসী পরিবারকে তুলে নিয়ে এসে তার হাতে ঝান্ডা দিচ্ছেন টিএমসি কে রক্ষা করার জন্য। টিএমসি এর অবস্থা আজকে এত দয়নীয় হয়ে গেছে, এত খারাপ হয়ে গেছে যে একজন আদিবাসী পরিবারকে তুলে আনতে হচ্ছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য। ये आरोप लगाने वाले दिलीप घोष हैं, जिनसे बंगाल में ममता बनर्जी भी थर थर कांपती हैं। दिलीप घोष लगातार ममता के खिलाफ बंगाल में आवाज उठा रहे हैं और बीजेपी की जड़ों को मजबूत करने में लगे हैं। हर कोई जानता है कि बंगाल की राजनीति में ममता का डर किस कदर जनता के दिल में बैठ गया है, जिसे दूर करने में लगे हैं बीजेपी के दिलीप घोष। घोष की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ जुट रही है और अमित शाह के दौरे के दौरान जिस अंदाज में जनता ने शाह का स्वागत किया, उससे तो यही लगता है कि दिलीप ममता बनर्जी को बराबर की टक्कर देने वाले हैं। NMF News की रिपोर्ट।